गया आज, और गीत को हो गई थी रात को वॉमिटिंग, तो अभी भी उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो देखो क्या होता है, आज फर्स्ट पेपर है और फाइनल एग्ज़ाम है, क्या होता है क्या नहीं होता है नहीं कह सकते हैं अभी। गीत जा रहे हो, आओ तैयार कर देती हूँ। तो दोस्तों गीत का जैसे कि स्वास्थ्य आज थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो आज है उसका फर्स्ट पेपर, तो मैम का फ़ोन आया है कि गरिमा का जो पेपर है डन हो गया है और आप ले जा सकती हैं, क्योंकि मैं बोल के आई थी कि मैम अगर पेपर हो गया तो आप बता दीजिएगा। तो मैं जा रही हूँ गीत को लेने और देखती हूँ गीत सही है या फिर क्या है, पता नहीं पेपर भी कैसा किया उसने। तो जाते हैं लेके आते हैं गीत को। तो दोस्तों मैं गीत को लेके आ गई हूँ और गीत पहले से थोड़ा ठीक है ना गीत, कैसा हो रहा बाबू पेपर किया पूरा? तो दोस्तों मैं गीत को लेके आ गई हूँ और गीत ठीक है, लेकिन 15 का टेबल छोड़ के आ गई है, आता है इसको लेकिन छोड़ के आ गई है, कोई बात नहीं, बाकी तो सब किया है उसने बोल रही है। आने के बाद छोड़ के आए ना बच्चा तो बड़ा बुरा लगता है, तो मैं इसको बोल रही थी अगर कर सकती तो कर ले, लेकिन नहीं तो मैंने ज़्यादा जितने की हम लोग आ गए हैं। तो गीत आ गई है घर और तबीयत वैसे ठीक है, लेकिन थोड़ा वीकनेस है गीत को, है ना ना गीत? तो ना आज गीत की होगी तबीयत ख़राब और अभी भी गीत को वीकनेस बहुत हो रही है ना गीत, वीकनेस हो रही है ना, पर मैंने गीत को थोड़ा सा रेडी कर दिया है, बस आने के लिए तैयार नहीं थी वैसे गीत, लेकिन मेरा भी मन नहीं कर रहा था गीत के बिना जाने का, तो मैंने गीत को रेडी कर दिया है। चलो बाबू अच्छा तो हम लोग चलते हैं, तो हम लोग जाते हैं बगल में नामकरण पार्टी में। और मैं फ़ोन नहीं ले गई थी क्योंकि गीत की तबीयत थी ख़राब, तो मुझे मन नहीं कर रहा था, तो अभी मैं आई दूसरी बार क्योंकि मैंने कहा थोड़ा ले आती हूँ, और गीत को मैं वहाँ सुला के आई हूँ, अभी थोड़ा ठीक है वो, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है, दिखाते हैं आपको। देखो हमारा छोटा बेबी ये है, अरे ये नानी है ना, मम्मी पीछे बैठे हैं है? लोग दवाई लेने जा रहे हैं, मम्मी आप दवाई लेने जा रहे हो? हाँ मैं जा रही हूँ गीत की दवाई लेने, और मैं इसके पापा जा रहे हैं क्योंकि ये आ गए थे आज जल्दी, और गीत की दवाई लेके आते हैं क्योंकि गीत को है बुखार, है ना गीत? तो दोस्तों आज की शुरुआत होती है फूल दही चम्मा दही से, और यहाँ पे मीनल जा रही है स्कूल, तो मीनल जल्दी आ गई है दिल्ली पूछने के लिए, तो क्योंकि मीनल को स्कूल जाना है इसलिए मीनल सुबह सुबह आ गई ना मीनल। चलो ठीक है फिर अभी गीत लोग भी पूछेंगे। तो ये बच्चे देखिए और आ गए हैं फूल दही चम्मा दही वाले, डालो फिर यहाँ पे डालो पहले। ये देखो ये बच्चे आ गए हैं, और ये देखिए
चलो गीत अभी रेडी नहीं हुई है ना, गीत अभी होगी रेडी। देवेश ने भी नहा लिया है और ये फूल दही छम्मा दही के लिए रेडी हो गए हैं और जाएंगे अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे करो। देवेश तोड़ के ला गया है फूल, ये देखो देवेश ला गया है फूल। तो बच्चों को देख के ना अपना बचपन याद आ रहा है मुझे आज। बच्चों पहले हम क्या करते थे पता है आपको? पूरी पन्नी भर भर के ले आते थे पता है। आजकल तो फूल मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस टाइम पे पहाड़ों में तो बहुत सारे फूल होते हैं। हाँ हाँ, और हम लोग लाते थे पांच पांच किस्म के फूल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। मैं राधा गोस्वामी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीत गोस्वामी। तो कैसे हैं? और फूल दही छम्मा दही की आप लोग को हार्दिक बधाइयाँ। और कौन कौन मनाते हैं फूल दही छम्मा दही तो कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। और हमारे यहाँ आई हुई है मौसी जी मुरादाबाद से। ये देखिए मौसी जी बैठी हुई है यहाँ पर। तो बाहर बनाई है दीदी ने चाय, यहाँ पर दीदी लोग बैठे हुए हैं और बड़ी वाली दीदी बना के लाई है चाय। तो हम लोग पीते हैं चाय यहाँ पर बैठ के। भूख लग रही थी और चलेगी अंदर भाग के, और जैसे ही हम लोग बैठते हैं ना एक जगह, हम तीनों पी रहे हैं चाय और ये बच्चों को भूख लग जाती है, सामने आके बोलने लग जाते हैं मम्मी भूख लग गई, और भाग गई अंदर को है।